हरियाणा कांग्रेस के विधायक मामन खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें आज कोर्ट में पेश किया जा सकता है। मामन खान की गिरफ्तारी के बाद नूह प्रशासन ने जिले में धारा 144 लगा दी है और इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी हैं। नूह के एसपी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक जिले में सुबह 10 बजे से रात 12 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा। प्रशासन ने लोगों से शुक्रवार की नमाज घर में अदा करने की अपील की है। इससे पहले मामन की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए ADGP ममता सिंह ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया कि कांग्रेस विधायक की गिरफ्तारी नूह हिंसा मामले में की गई है। नूह के एसपी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि मामन खान को कोर्ट में पेश कर उनकी रिमांड मांगी जाएगी। उन्होंने बताया कि तथ्यों से ये साबित हुआ है कि मामन खान हिंसा भड़काने से पहले तक नूह में मौजूद थे। रिमांड पर लेने के बाद और भी जानकारी सामने आने की उम्मीद लगाई जा रही है। गुरुवार को हरियाणा सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को जानकारी दी थी कि पुलिस ने मामन खान को 31 जुलाई को नूह में हुई हिंसा मामले में आरोपी बनाया है। मामन खान को हरियाणा पुलिस की SID टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। पुलिस कोर्ट से उसकी कस्टडी की डिमांड भी कर सकती है। वहीं मामन खान की गिरफ्तारी के बाद नूह जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। पूरे जिले में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जिले में मौजूद पुलिस कर्मियों के अलावा पड़ोसी राज्यों के पुलिस कर्मियों और RAF की टीम को भी नूह में तैनात किया गया है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक जिले में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। हरियाणा के अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक सवरवाल ने हाईकोर्ट को बताया कि मामन खान के खिलाफ सबूतों की जाँच के बाद उन्हें 4 सेप्टेम्बर को आरोपी बनाया गया था। उन्होंने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि मामन खान के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। हालांकि मामन खान ने हाईकोर्ट से गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग की थी और दावा किया था कि उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है, जबकि हिंसा भड़काने के दिन वे नूह में नहीं थे। इससे पहले मामन खान को नूह पुलिस ने 2 बार जांच में शामिल होने के लिए कहा था, लेकिन वो उसके सामने पेश भी नहीं हो पाए थे। आपको बता दें कि मामन खान को लेकर अब तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। इस मामले पर हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।